3, 2, 1. हेलो गाइस, हम बना रहे हैं आलू के पराठे। और आज है संडे, तो हम हर संडे को आलू के पराठे बनाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने आलू का, अब मैंने आटा गूंद लिया है, आलू में सारे मसाले मिक्स करके रख दिए हैं, और अब मैं आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि वंश को लग रही थी भूख, वो बार बार आ रहा था मेरे पास, भूख लगी है, जल्दी से आलू का पराठा बना दो, क्योंकि हर संडे को वो भी पराठा इंजॉय करता है। सुबह से मैंने बहुत सारे काम किए, कपड़े धोए, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, उसके बाद अब वो बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कि मुझे भी वीडियो बनानी है, मुझे भी वीडियो बनानी है। और ये है मेरी मम्मी, इधर आइए, ये देखिए, मेरी मम्मी का ये है जो आलू होते हैं, आप लोगों ने भी खाए होंगे, उसको बांट रही है, मतलब ऐसे गूंद रही है। तो गाइस, आप लोगों को पता है आज हम क्या बना रहे हैं? बताओ क्या बना रहे हैं, बताओ। आज बनाया जा रहा है शक्कर पिसा, मतलब परांठा। तो आज हम लोग, मैं भी बनाता हूँ मम्मी के साथ, चलो पीछे कर, मैं भी बनाऊंगा। अब मैं जल्दी जल्दी से लग गई हूँ आलू का पराठा बनाने, क्योंकि वंश को बहुत तेज़ भूख लगी थी, ट्यूशन के भी बच्चे भी आए हुए थे, इसलिए जल्दी जल्दी से मैंने फर्स्ट पराठा बनाया और वंश के लिए पराठा तैयार किया, क्योंकि उसके लिए कम मिर्च ज़्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि वो मिर्च नहीं खाता है, इसलिए कम मिर्च वाला पराठा बनाया मैंने उसके लिए। फिर मैं जल्दी जल्दी से गई किचन में, किचन से लाया दही और वंश को दही के साथ पराठा सर्व किया। अब वंश को दही के साथ ही पराठा पसंद है, इसलिए मुझे वैसे तो आजकल थोड़ा सा ठंड होना स्टार्ट हो गई है, तो हम दही कम खाते हैं, लेकिन पराठे के साथ दही पसंद होता है सबको। और वंश को इस तरह से स्लाइसेस में पराठा कट करके जैसे पिज़्ज़ा कट करते उस तरह से खाना पसंद है, क्योंकि शुरू से ही मैंने उसको इस तरह से पराठा दिया, तो अब भी उसकी यही आदत है, इसी तरह से पराठा खाता है। ओके गाइस, बाय बाय।